श्रम साधना। आज ये दो प्रथाएं समाप्त हो गई, एक गुलामी की प्रथा, दो राज प्रथा। गुलामी की प्रथा खत्म करने के लिए क्या हुआ? एक विवेक जागृत हुआ, दो लोगों में युद्ध हुए। राज प्रथा मिटाने के लिए क्या हुआ? घनघोर युद्ध हुए, सदियों तक झगड़े चले। आम तौर पर संपत्ति इसे मानते हैं, रुपया, नोट, सोना, चांदी। लेखक के मतानुसार संपत्ति यह है, मनुष्य के उपयोग में आने वाली चीजें जिनके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। दो, मनुष्य के उपयोग में आने वाली वे चीजें जो उसके सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। संपत्ति के दो मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम। मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र, मकान। श्रमजीवियों का जीवन, एक शारीरिक श्रम करना, दो आमदनी कम होना, तीन समाज में प्रतिष्ठा नहीं, चार कष्टमय जीवन। बुद्धिजीवियों का जीवन, एक बौद्धिक काम करना, दो अच्छी आमदनी, तीन सामाजिक प्रतिष्ठा, चार आरामदेह जीवन। व्यवसायों के दो वर्ग, एक श्रमजीवियों के व्यवसाय, दो बुद्धिजीवियों के व्यवसाय। व्यवसायों के दो वर्ग, एक श्रमजीवियों के व्यवसाय, दो बुद्धिजीवियों के व्यवसाय। बुद्धिजीवी, बौद्धिक काम करना, अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। श्रमजीवी, शारीरिक श्रम करना, आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। संपत्ति का निर्माण कौन करते हैं? उत्तर, मजदूर। धन किनके पास इकट्ठा होता है? व्यवस्था करने वाले। बौद्धिक काम से अपना भरण पोषण करने वाले लोग, मंत्री, राज के कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले लोग, किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम, एक खरीद सस्ती से सस्ती, दो बिक्री महंग से महंगी।
शिक्षालयों के खर्च के स्रोत। एक, सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूल किए गए पैसे। दो, दानी लोगों की कृपा से प्राप्त धन। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। एक, विद्यालयों से। दो, अपने साथियों एवं समाज से। समाज की कृपा से योग्यता प्राप्त मनुष्यों का कर्तव्य। एक, समाज को अधिक से अधिक देना। दो, समाज से कम लेना। समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का परिणाम। एक, शोषण होना। दो, अशांति होना। गांधी जी द्वारा पोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। एक, पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, 4 घंटे शरीर श्रम करना। दो, ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग करना, 4 घंटे बौद्धिक काम करना। परिच्छेद में बताई गई शारीरिक श्रम वाली दो वस्तुएं। एक, आजीविका की साधन सामग्री। दो, पैसे के बल पर सामग्री खरीदने वाले पैसे की जड़। परिच्छेद में आए दो यज्ञों के नाम। एक, संपत्ति दान यज्ञ। दो, भूदान यज्ञ। दान से कार्य चलते हैं। एक, अस्पताल। दो, विद्यालय। सामाजिक विचारधारा में श्रम के बारे में बड़ा दोष। एक, शरीर श्रम से परहेज करना। दो, शरीर श्रम करने वालों को हीन दर्जे का मानना। तीन, शरीर श्रम को हीन दृष्टि से देखना। शरीर श्रम की व्यवस्था। एक, धनिक पैसों के बल पर नौकरों से शरीर श्रम करवा लेता है। दो, गरीब भूख की लाचारी में शरीर श्रम करते हैं।